आप क्या बनना चाहती हैं? शिक्षिका। खेलकर खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ लिखकर मैं पायलट बनना चाहती हूँ। हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। शिक्षक। मैं बड़ा होकर मैडम बनना चाहता हूँ। गुरुजी। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। मैं पढ़ लिख कर सरपंच बनूंगा। बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। कोशिश करके देखूं तो गुरुजी बनना चाहती हूँ, मगर पढ़ पाऊँ तब बन जाऊँ। आप क्या बनना चाहती हैं आगे पढ़कर? नर्स। मैं आगे पढ़कर नर्स बनना चाहती हूँ। जी सर, इंजीनियरिंग को। शिक्षिका। आगे चलकर मैं वकील बनना चाहती हूँ। नर्स। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ और पब्लिक की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा एक सपना है, बनना चाहता हूँ। मेरा एक सपना है, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ और गांव के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते उन्हें ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। आजकल के में पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नौकरी भी नहीं मिलता है, तो मैं किसान बनना चाहता हूँ। अपने घर बार द्वार को कमा कर अपने घर परिवार को चला सकूँ। आप बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे? मैं बड़े होकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बड़े होकर मैं पायलट बनना चाहता हूँ, सेना पायलट। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं सर। गांव वाले सभी मुख्यमंत्री को कोसते हैं कि या हमारे गांव के लिए ये नहीं कर देते हैं, वो नहीं कर देते हैं, इसी कारण मैं नहीं बनना चाहता। मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? नहीं। क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के झंझट में नहीं फंसने वाले। आप सरपंच बनना चाहते हैं? अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या करते? मैं मुख्यमंत्री होता तो पूरे देश को, जैसे कि कहीं रोड नहीं है तो बनवाता, फिर पानी की कमी होती है वहाँ बांध बनवाता, और गांव भर में पानी की व्यवस्था करवाता पीने के लिए। सबसे पहले रोड का निर्माण करती है, लाइट का सुविधा, पुलिया का निर्माण, शौचालय का। एक छोटा डब्बा करता जिसमें वो एक तो गांव में डब्बा बनवाता, उसमें जो भी कुछ समस्या उसको चिट्ठी लिख के उस डब्बा में भर देते और उसको एक महीना के बाद देखने आते कि क्या क्या समस्या है उसको, फिर उसके हिसाब से जो समस्या लिखा रहेगा उस चिट्ठी में उसको सुलझाएंगे। हॉस्टल में जैसे कि पढ़ने के लिए कहीं कहीं पे हॉस्टल में लाइट वाइट भी नहीं रहता है, वहाँ लाइट देते, नहाने धोने की सुविधा नहीं हो पाती है वहाँ भी देते। कई हॉस्टल में मतलब स्कूल से बहुत दूर होता है तो उसको पास में रखता, जिससे कि बच्चों को जाने आने में सुविधा होती। दारू सब बंद और पेड़ पौधा को भी सब बंद करवाती और शौचालय का मतलब कि उपयोग करें बोलते। हम सब दोस्त सुबह स्कूल जल्दी आते हैं तो चपरासी जल्दी आ जाता है और हमसे काम करवाता है, जैसे शौचालय में पानी डलवाता है और हमसे झाड़ू लगवाता है, टाट पट्टी बिछाते हैं। किसी भी सर आ जाते हैं तो खुद काम करने लग जाते हैं। और फिर हमको, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ऐसे ही चपरासी लोग को मैं सस्पेंड कर देता। मुख्यमंत्री रहता तो गरीब लोगों का घर को अच्छा बनवाना चाहता हूँ और साफ पानी का इंतजाम करवाता। मेरे गांव में आंगनबाड़ी एक ही है, एक और ज़रूरत है, मैं खुद ही सरपंच होती तो मैं आंगनबाड़ी बनवाने की प्रयास खुद कर लेती। मैं अगर सरपंच होता तो हर कक्षा पर अलग अलग रूम बनवा देता। सरपंच बनते तो जुगा मत के लिए स्कूल जाओ, आगे चल के काम आ ही कह रही थे। मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता तो सभी छात्रावास आश्रम में इमरजेंसी लाइट लगवा देता,
ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ पाते। जहाँ पर छात्रावास तो खुले हैं लेकिन भवन नहीं है, उसमें वहाँ पर भवन बनाने का प्रयास जरूर करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनूँ तो मैं गाँव में स्कूल बनवाऊँ। उनके लिए रोजगार के आप कई अवसर का छान ढूंढता, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराता। मैं खुद मुख्यमंत्री होता तो ठीक तरह गरीबों को देखता कि उनके पास खाना रोटी कपड़ा है या नहीं है। मैं प्रधानमंत्री होता तो पहले तो छुआछूत को हटाता, फिर गली गली को सीसी रोड बनवाता और साफ 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 सुथरा करवाता, और एक गांव में 3-4 ठो कचरा का डिब्बा रहता तो तब पर भी चलता। जो भी स्कूल नहीं जाता है उसको मैं भेजता। मैं खुद मुख्यमंत्री होता तो मैं हमारे गांव के लिए मतलब वृक्ष कटा रहे हैं उसको मैं वो चीज़ रोकथाम करता कि वृक्ष वो चीज़ मिलता है, हवा मिलता है हमें, मतलब जीने के लिए वो चीज़ मिलता है, मतलब हवा मिलता है, इसको मैं रोकथाम करती है। आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो गांव के लिए या देश के लिए या बच्चों के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो बच्चों के लिए उन्हें अच्छा पोषण मिल रहा है कि नहीं और शिक्षा मिल रहा है कि नहीं ये सब देखती। सभी लोग के लिए गरीब रेखा से नीचे लोग के लिए इंदिरा आवास का घर बनवाता। सबसे पहले तो आंगनबाड़ी, शौचालय और नलकूप खुलवाते हैं, स्कूल और अस्पताल और बोरिंग के गड्ढा ला साफ भी करवाते। अगर आप मुख्यमंत्री या कलेक्टर होते तो गांव के लिए, बच्चे के लिए और गांव के लिए और स्कूल के लिए क्या करते? अगर मैं कलेक्टर या मुख्यमंत्री होती तो पहले तो छोटे बच्चों से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर हाई स्कूल तक यह देखती कि सबको अच्छे से शिक्षा मिल रही है कि नहीं, और उसके आज उनके शिक्षक लोग उन लोग को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, और आसपास में साफ सफाई है या नहीं।